अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुचिता चलो, बहुत जरूरी काम है। निहार जी अभी दूध उबालना है, बहुत काम है, उसके बाद में आती हूँ, अभी आप जाएं। अरे ये सब बाद में कर लेना, अभी तुम चलो, दो मुझे। चलो 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 चलो। हेलो, तुम्हें घर की फोटो और वीडियो भेज रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है, बच गई, सब खत्म हो जाता। अच्छा तुम्हारी फ्लाइट कल कितने बजे की है? ठीक है, जल्दी आओ, काम शुरू करना है। ये देखो, बिना दूध गर्म किए ही गायब हो गई, अभी फट जाए तो। लेकिन किसी को घर में फिक्र ही कहाँ है, मैं ही बची, हर चीज का ध्यान रखू, दूध भी गर्म मैं ही करूं। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? निहार जी क्या कर रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ हम पार्टी में एक कपल डांस करें। लेकिन पार्टी तो बच्चों की है ना? तो बच्चों की पार्टी है, बच्चे भी डांस करेंगे और हम भी। हेलो, अरे मैं ठीक हूँ, तू सुना? निहार जी बहुत काम है मेरे पास, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। रुचिता पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके बाद तुमसे और बच्चों से दूर रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन करता है कि बस ये समय थम जाए, तुम मेरे साथ रहो और मैं बस तुम्हें ही देखता रहूं। मेरा भी मन करता है कि आपको सिर्फ निहारती रहूं। मॉम को क्या हो? माँ ये दूध में झाग? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ रुचिता, कि ये सब क्या है? ये दूध के पतीले में ये झाग आया कहाँ से? लेकिन माँ ये हुआ कैसे? अरे तुम ही ने दूध लिया था ना, दूध लेने से पहले अच्छी तरह से पतीला तुमने धोया ही नहीं होगा, रह गया होगा उसमें डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट वाला दूध पिलाकर हम सबको मारना चाहती हो तुम, और क्या? नहीं माँ, मैंने अच्छे से चेक किया था, वो पतीला बिल्कुल साफ था, उसमें कहीं कुछ नहीं था। पता नहीं दूध की जगह डिटर्जेंट पाउडर कैसे आ गया। हद है लापरवाही की रुचिता, हद है। एक तो दूध उबाला नहीं, ऊपर से पतीला ढंग से धोया नहीं, डिटर्जेंट वाले पतीले में दूध ले लिया। अब मान लो अगर कोई ये कच्चा दूध ही पी जाता तो क्या होता? इतना सारा ये साबुन का झाग इसमें से निकला है, ये जमीन में देखो कितनी फिसलन हो गई, कोई फिसल ही जाता। माँ जी का पैर फिसल जाता, वो गिर जाती तो क्या होता? मैं अभी साफ कर देती हूँ, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। हम हो सकता है कि घनश्याम काका के दूध का बर्तन साफ ना हो। हाँ निहार, ये हो सकता है। मैं देखती हूँ। कौन है?
घनश्याम काका, हाँ क्या बात है बहू रानी, आप हमको देख करके चौंक क्यों गई? वो आपकी पत्नी, मेरा मतलब आपकी पत्नी आई थी, वो बोल रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। तबीयत हमारी? हम तो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है, लेकिन ये बात आपको बोला कौन? आपकी पत्नी आई थी, वो तो दूध भी देकर गई है अभी। पत्नी हमारी? कहाँ मजाक कर रही हो बहू रानी, अरे वो तो मायके गई हुई है। वाह रुचिता, कितना झूठ बोला तुमने, मतलब हद होती है किसी चीज की। घनश्याम अभी आया है तो दूध में मिलावट किसने की? घनश्याम तो कर नहीं सकता, जरूर तुम ही ने दूध में मिलावट की होगी ताकि हम सबको बीमार कर दो, यही चाहती थी ना? बोलो क्या इरादा था तुम्हारा? आप ये क्या बोल रही है, मैं अपने ही परिवार को क्यों बीमार करना चाहूंगी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है पिंकू को दूध बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुमने ये दूध में मिलावट की है ताकि वो बीमार हो जाए। माँ प्लीज, आप कैसी बातें कर रही है? पिंकू मेरे बेटे जैसा, तीनों मेरे बच्चे जैसे। मैं सच कह रही हूँ, एक औरत आई थी, वो खुद को घनश्याम जी की बीवी बता रही थी, उसने ही दूध दिया था। पर हमारी बीवी तो मायके गई हुई है। ठीक है काका, आप जाइए। जी। दूध में डिटर्जेंट कैसे आया? बोलो रुचिता, बताओ सबको कैसे आया दूध में डिटर्जेंट? शायद इसीलिए दूध को तुम ऐसे ही छोड़कर चली गई थी ताकि जो कोई भी उस दूध को उबालने के लिए जाए इल्जाम उसी पर आ जाए। आज सुबह ही तुमने स्टोर रूम से डिटर्जेंट का पैकेट निकाला था ना? निकाला था कि नहीं? भी जाकर देखूंगी ना, वो पैकेट खाली पड़ा होगा। मैं अभी वो डिटर्जेंट का पैकेट लेकर आती हूँ। मॉम बस कीजिए, रुचिता पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। अरे वो औरत किसी और के घर में दूध देने आई होगी और गलती से हमारे घर में दे दिया होगा, इस बात को यही खत्म कीजिए आप प्लीज। निहार, तेरी बीवी हम सबको मारने चली थी और तू है अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चूरू का गुलाम कहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूध में डिटर्जेंट कहां से आए और वो औरत कौन थी? रुचिता, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आजकल दूध में वैसे ही बहुत मिलावट हो गई होगी, वो भी कोई, तुम ज्यादा मत परेशान, ठीक है? मम्मी पापा, मैं देख कर आता हूँ बच्चों को। संभल के, वो कोई अनजान औरत नहीं थी, वो फोन, वो इंग्लिश में सॉरी बोलना, अगर वो घनश्याम की बीवी नहीं थी तो फिर कौन थी और हमारे घर क्यों आई थी? रोहिणी बेटा, ये आपके हाथों में क्या हुआ, ये रैशेस कैसे हो गए आपको? वो कुछ नहीं मम्मी। रूही बेटा, कुछ तो आप छुपा रही हैं मुझसे, पहले आपके ये माथे में चोट, अब हाथों में रैशेस, क्या बात है, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? आपकी पिंकू से लड़ाई हुई है क्या? बताओ ना, या कुछ और बात है तो मुझे बताओ ना, क्या हुआ है मम्मी? वो रूही बेटा, बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे चोट के लिए गरम गरम हल्दी और लहसुन वाला तेल लेकर आई हूँ। माँ, ये रूही को चोट कैसे लगी? बेटा रूही, आपने मम्मी को बताया नहीं? मैंने कहा था ना कि अपनी मम्मी को बता देना, मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाते। असल में रुचिता क्या है ना,
रूही ने तुम तीनों के लिए इतनी पूजा प्रार्थना की है कि इसने मिट्टी से भगवान की मूर्ति बना ली। अब मिट्टी में कंकड़ पत्थर थे, उसी की रगड़ लग गई से। आप भी ना। अरे कोई बात नहीं रुचिता, बच्चे हैं, इतना तो करेंगे ही। और फिर मैं लाई हूँ ना तेल गरम गरम, हल्दी और लहसुन वाला, इसे लगा दूंगी, आराम आ जाएगा। आओ बेटा, जरा सा दर्द तो होगा ना, लेकिन ये जो हल्दी लहसुन वाला तेल है ना गरम गरम, जो मैं तुम्हें लगा रही हूँ, इससे तुम्हें इतना आराम आ जाएगा रात भर में कि सुबह तुम पार्टी में खूब मस्ती कर पाओगी। दादी बिल्कुल सही बोल रही हैं। माँ आप रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ रूही को। अरे रुचिता क्या बात कर रही हो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और इनकी सेवा मतलब भगवान की सेवा। रूही को मैं ही तेल लगा देती हूँ, एक काम करो तुम जूही को तेल लगा दो, ये लो लो। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उसमें बस एक चीज अच्छी हुई है कि माँ का मन रूही के लिए बदल गया है, बस माँ का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही साथ रहे। मेरी जूही बेचारी, उसे ये गरम गरम हल्दी लहसुन वाला तेल लगा दूंगी, बहुत दर्द झेला है उस बेचारी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट बच्चों, आराम से सो जाओ। जुही जुही, अब आप दोनों भी आराम करो, कल खूब सारी मस्ती करनी है ना। खाटू जी का आशीर्वाद बना रहे मेरी दोनों बच्चियों पे। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।